आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, इन ए पेयर इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड 3 राउंड्स हुए उसमें और उसने स्कोर किया -40, 10 और 0 और टीम बी ने स्कोर किया 10, 0 और -40। तो अब हमें निकालना है कि किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया और क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो इन दो क्वेश्चन का हमें आंसर्स देना है, दो चीज़ों का। सबसे पहले हम टीम ए का निकालते हैं। तो टीम ए का टोटल स्कोर होगा, इसने थ्री राउंड्स में, पहले राउंड में थे -40, अगले राउंड में आए इसके 10 और नेक्स्ट राउंड में आए 0। तो अब क्या आ गया, -40 + 10, ठीक है, तो आंसर आ गया इसका माइनस का 30। ठीक है, अब टीम बी का निकालते हैं। टीम ए का तो आ गया हमारा -30, अब टीम बी का इसी तरीके से निकालेंगे। टीम बी का टोटल स्कोर होगा 10 + 0 + -40। ये 3 राउंड्स का है, तो अब हमने इसको सॉल्व किया तो 10 - 40, इसका आंसर भी आ गया -30, यानी कि टीम बी का स्कोर भी आ गया -30। दोनों का सेम स्कोर है, पहली बात तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने यही पूछा था विच टीम स्कोर्ड मोर, तो दोनों टीम्स ने एक ही स्कोर किया। दूसरी बात इसमें पूछी हुई है कि हम क्या इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, यस, हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिलअप दे रखा है, जो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट्स को ट्रू दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको फिल करना होगा। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, -5 और ब्रैकेट के अंदर -8। तो दूसरे साइड में इज इक्वल टू के बाद दिया हुआ है, अगर यहाँ पर -8 भर दिया तो इस फिलअप में आएगा -5। इसी तरह से नेक्स्ट फिलअप है -53 में, हम क्या ऐड करें कि -53 आए, तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, 0। नेक्स्ट आपका फिलअप है 17 + फिलअप दिया हुआ है 0, 17 में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो -17। 17 के अंदर अगर हम -17 को ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 13 में ऐड किया -12 और फिर फिलअप है, और दूसरी साइड में दे रखा है 13 - 12, तो तीसरे फिलअप में आ जाएगा -7। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है अब आपका फिलअप -4 + 15 + -3, तो अब हमने यहाँ पर इस साइड में -4 और 15 को एक साथ ले लिया, तो नेक्स्ट फिलअप में हमारा क्या आ जाएगा, -3। तो ये आपके क्वेश्चन 3 और 4 कंप्लीट होते हैं, जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं।